क्लास एलेवन से आप आ जाओ फोटो के लिए, जो फोटो के लिए क्लास लाना। हेलो हेलो, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जाके यशोदा से कह दो पूजा की तैयारी शुरू करें, तब तक मैं आता हूँ, आप लोग भी पूजा की तैयारी शुरू करिए। ये कैसा भगवान है जिसकी पूजा ना करो तो वो क्रोधित हो जाता है, और पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना भैया, और पूजा करवाना भगवान का कर्म है। Thank you.
करते रहते हैं, तीसरे दिन तो हम तो तंग ही रह गए। अरे हाँ, ये सब इंद्र भगवान की वजह से हुआ है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। आप जाके यशोदा से कह दो पूजा की तैयारी शुरू करें, तब तक मैं आता हूँ, आप लोग भी पूजा की तैयारी शुरू करिए। यह सब क्या हो रहा है मैया? अरे लल्ला, कभी हमसे भी पूछ लिया करो। और पहले यह तो बताओ ये सब क्या हो रहा है? सब देवराज इंद्र की हो रही, इंद्र की पूजा और वो क्यों? ऐसा नहीं लल्ला, देवराज इंद्र का क्रोध बहुत भयानक है। भयानक? पर हम भयानक की पूजा क्यों करें? और वैसे भी क्रोध करना तो अच्छी बात है हीना मैया, और ये कैसा भगवान है जिसकी पूजा ना करो तो वो क्रोधित हो जाता है? और पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना मैया, और पूजा करवाना भगवान का कर्म तो नहीं हो सकता। क्या फंस क्यों इसे समझाइए। मैं क्यों तुम्हारे और तुम्हारे लल्ला के बीच में? कन्हैया सही तो कह रहा है। आप पिता है, पुत्र को समझा नहीं सकते तो भड़काओ ही मत। बस मैंने कह दिया कि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो नहीं होगी। ऐसा नहीं कहते लल्ला, ये तो पूजा पुरखों के दिन से चली आ रही है। यह कान्हा सही कह रहा है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, और जो पूजने योग्य है हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। अरे लल्ला, तो पूजने योग्य कौन है? बाबा हम तो ग्वाले हैं ना, हमारा जीवन गऊओं से जुड़ा हुआ है, एवं गायें हमको दूध देती हैं, खाने के लिए मक्खन देती हैं, और गायों का जीवन वनों के बिना संभव नहीं है, और वन उनको घास चरने के लिए घास देते हैं जिससे उनका जीवन संभव हो पाता है, वो हमारे लिए पूजनीय है। एवं हमारे लिए पूजनीय है यमुना, जो कि हमको पीने के लिए जल, एवं वृक्षों को जल देती है जो कि वनों को हरा भरा रखती है, एवं हमारे लिए पूजनीय है वो पर्वत जो कि मेघों को रोक कर वर्षा करवाते हैं और जिनसे वन हरे भरे रहते हैं, और जो पूजनीय योग होता है वो कभी क्रोध नहीं करता। हमें इन्हीं सब की पूजा करनी चाहिए, और इंद्र के क्रोध से मत डरो मैया। नहीं कहा गाना, ऐसा नहीं कहते लल्ला, देवराज इंद्र का गिरेगा। मैं तो किसी से नहीं डरता। उनसे डरो लल्ला। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी करनी चाहिए एवं उसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ हाँ चलो पूजा करते हैं। Oh,
अंतर क्या दोनों की चाह तो अंतर